अद्वितीय सत तत्व है राधा परम प्रधान। इसकी व्याख्या लंबी चौड़ी है। अद्वितीय मान्य क्या होता है, एक मान्य क्या होता है, तत्व मान्य क्या होता है। अद्वितीय एक तत्व है। हम श्री कृष्ण को तत्व नहीं मानते, हमने यह सुकून किया है। अद्वितीय एक तत्व है राधा परम प्रधान। वाको दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। राधा का दूसरा रूप है श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण के रूप नहीं है राधा, राधा ही श्री कृष्ण बनी है। एक देह पर बृहस्पति निशान हो जाए। अद्वितीय एक तत्व है राधा परम प्रधान। वाको दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। खाली भगवान नहीं, स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान को सभी अवतार है। शंकर जी भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, महाविष्णु भी भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्थ भगवान स्वयं भागवत में कहा, ये पहला जो है। अनादि काल से अनंत काल तक केवल एक तत्व है, एक तत्व है, उसका नाम है राधा तत्व। वही एक तत्व तत्व है और कोई तत्व है ही नहीं। अगर आप लोग कहें ये सब जीव ये उसी तत्व के अंश है, माया ये उसी की शक्ति है, जो कुछ विश्व में था है होगा सब उसी एक तत्व का उपजाया हुआ है, उसी का परिवार है, उसी की शक्तियां है। और श्री कृष्ण तत्व नहीं है, लेकिन वो अरे अद्वितीय एक तत्व है राधा परम प्रधान। राधे राधे अद्वितीय एक तत्व
तत्व है राधा परम प्रधान। या को दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। देखिए ये दोहा पूरे दोहा शतक में सबसे गंभीर है, इसका बहुत लंबा मतलब है, लेकिन संक्षेप में समझ लीजिए कि वेदों ने कहा है एकम सत विप्रा बहुधा भजन, एकम संतम बहुधा कल्पयन, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ऐसा अनेक मंत्रों में वेदों में कहा गया कि एक तत्व था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसी एक तत्व को अनेक रूप से ऋषियों ने निरूपित किया है वो एक, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। जितने तत्व हैं वो सब उसी के शक्तियों के रूप है, जैसे उसकी एक है पराशक्ति, एक है जीव शक्ति, एक है माया शक्ति, ये तीन शक्तियां सबसे प्रमुख हैं और शक्तियां अनंत है, अनलिमिटेड, असंख्य, लेकिन तीन प्रमुख हैं। विष्णु शक्ति परापोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीय शक्ति स्थित। तो पराशक्ति उनकी जो है वो पर्सनल पावर है, और जीव शक्ति सब लोग आप लोग, ये तटस्थ शक्ति है, यानी बहिरंगा शक्ति माया, अंतरंगा शक्ति परा, और जीव शक्ति बीच में है तटस्थ। ये पराशक्ति से भी संबद्ध नहीं है, क्योंकि पराशक्ति तो भगवान की पर्सनल पावर है, वो सब व्यापक है, नियंता है, विभू है, और जितनी जीव शक्तियां हैं ये नियम्य है, शास्त्र है, अणु है। तो जैसे भगवान विभूचित है, जीव अणुचित है, तो अनादिकाल से यह जीव भगवान से विमुख है, लेकिन भगवान का अंश है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, भगवान से विमुख है, माया के अंदर में है, लेकिन भगवान का अंश है। तो अंश होने से चित है, चित माने चेतन, जीव चेतन है, माया जड़ है, माया थर्ड प्राप्ति और जीव सेकंड प्राप्ति और पराशक्ति की फर्स्ट प्राप्ति। पराशक्ति भगवत प्राप्ति के बाद आपको मिलेगी, फिर माया नहीं रहेगी। जब तक आप भगवान के शरणागत नहीं होते तब तक माया हावी है, तो माया हावी है इसलिए पराशक्ति से अनुग्रहित नहीं है जीव। इसी पराशक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं। तो ये जीव शक्ति भगवान की पृथक है, तटस्थ है, न्यूट्रल है, ये भगवान से भी सीधे संबंध नहीं है और माया से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये तीन शक्तियां प्रमुख है भगवान की। अब जीव शक्ति तो तटस्थ है, उसको छोड़िए, माया शक्ति तो बहिरंग है और थर्ड क्लास की है, उसको भी छोड़िए।
सब एक बची पराशक्ति, उस पराशक्ति के अंदर में सब शक्तियां, जितनी शक्तियां हैं सब पराशक्ति के अधीन है। उसमें कुछ दिव्य दिव्य शक्तियां हैं और कुछ माइक माइक शक्तियां, जो उसका पार्टीशन है, लेकिन सब की सब पराशक्ति के अधीन है। तो वो पराशक्ति है राधा, राधा पराशक्ति, यानी इससे परे कोई न हो, वो है राधा। उन्हीं की शक्तियां सब है, देवता मनुष्य 84 लाख योनियों के जीव प्लस मेटीरियल मैटर प्राकृतिक वस्तुएं, ये सब उसी पराशक्ति से निकले हैं। पराशक्ति समस्त शक्तियों का पुंज है और अध्यक्ष है, उसके आगे कोई शक्ति नहीं थी, न है न होगी। इसलिए वेद कहता है एक ही शक्ति है, अभी चुप है वेद, नाम नहीं बता रहा। एकम सत, एक शक्ति है विप्रा बहुधा वदन, उसको जो वेदज्ञ लोग हैं अनेक प्रकार से निरूपित करते हैं, तो वो राधा शक्ति है। उन्हीं की पराशक्ति के डिपार्टमेंट में महालक्ष्मी है, महाकाली है, ब्रह्माणी है, इंद्राणी है, तमाम दिव्य दिव्य शक्तियां जो आप नाम सुनते हैं शास्त्रों में, ये सब उन्हीं की शक्तियां हैं, अंश है, अंश। जैसे एक बड़ी नदी है, उससे नहर निकाली जाती है, फिर बड़ी नहर, उससे छोटी नहर, फिर उससे छोटी नहर, इस प्रकार ये सारी शक्तियां हैं। ये भगवान के एरिया वाले, और उनकी जो जीव शक्ति है उसके एरिया वाले सब जीव है, और जो माया शक्ति है उसके एरिया वाला है मटेरियल सामान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वगैरह, और आपका शरीर भी, आप है खाली जीव शक्ति के अंश, शरीर तो नहीं है, शरीर तो माया का बना हुआ है, जल वस्तु है। चेतन गया तो मर गया, मर गया माने अचेतन हो गया, चेतन था पहले, तब उसको हम कहते थे ये बैठा है रमेश, वो जा रहा है रमेश, कलकत्ता गया है रमेश, बीमार है रमेश, जब मर गया तो आप रमेश नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे शव यात्रा में गए थे, शव यात्रा, बॉडी, डेड बॉडी, वो बॉडी है, वो चेतन गया, वो माया का स्वरूप है। इसलिए जब बॉडी में चेतन चला गया तो ये बॉडी जहां से बनी थी वहीं जाके मिल गई, यानी सड़ गया शरीर, तो पृथ्वी में जल में तेज में सब ने अपने अपने अंशी लोगों ने खींच लिया उसको अपनी ओर, और खींच करके उसको अपने में मिला लिया। तो पराशक्ति रूपा राधा ही अद्वितीय शक्ति है, एक शक्ति है, सब उन्हीं के अंदर में उन्हीं के अंश है। कुछ पराशक्ति से संबद्ध है, कुछ माया शक्ति से संबद्ध है, कुछ जीव शक्ति से संबद्ध है, ये तीन शक्तियों से संबद्ध है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड। लेकिन साहब कहीं कहीं ये कहा है कि श्री कृष्ण ही अद्वितीय तत्व है, और आप कहते हैं राधा अद्वितीय तत्व है, वेद में ये भी लिखा है ये यम राधा यस्त कृष्णो रसाब्धिर देहे नैकः पीडनार्थं बुधा भूत, श्री कृष्ण ही दो बन गए, एक राधा एक श्री कृष्ण, ऐसा भी कहा है। और ऐसा भी कहा है शास्त्रों में कि ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम, राधा तत्व बोल रहा है, किशोरी जी कह रही है कि श्री कृष्ण तो मेरे ही स्वरूप है, मैंने अपना दो रूप बनाया है, एक पुरुष का और एक अपना ही है नारी का, यानी राधा ही दो बन गई या श्री कृष्ण दो बन गए,
ये दोनों बातें शास्त्रों में मिलती हैं। यहाँ लेखक कहता है कि चूंकि शक्तिमान शक्ति के अंदर में रहता है, शक्ति के अंदर में रहता है, जैसे ब्रह्म निराकार है, उस आकार कैसे बनेगा? श्री कृष्ण बने कैसे? वो तो निराकार ब्रह्म थे, उनको किसने साकार बनाया? पराशक्ति ने, यानी किशोरी जी ने। किशोरी जी ने निराकार ब्रह्म को साकार ब्रह्म बना दिया। किशोरी जी नाम की शक्ति है एक लोग माया, वो रूपवती भी है निराकार भी है। जैसे श्री कृष्ण रूपवान भी है और निराकार सर्वव्यापक भी है श्री कृष्ण, ऐसे राधा भी एक रूपमती है नारी रूप और एक सर्वव्यापक है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि चूंकि श्री कृष्ण राधा की उपासना करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा है, वो आत्मा दुराधिकार करते हैं। इसी वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा, आजकल भी श्री कृष्ण किशोरी जी से परमिशन लेते हैं तब रास करने जाते हैं। किशोरी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उनके चरणों में अपना मुकुट रखते हैं। जब किशोरी जी आज्ञा देती हैं तब रास होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि किशोरी जी ही प्रमुख शक्ति हैं जिनके द्वारा ब्रह्म सब कुछ करता है। शक्ति के अंदर में आपका हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, जी हाँ, मुंह से बोल रहे हैं, जी हाँ, किसके कारण? ये कौन शक्ति करा रही है? आत्मा, आत्मा करा रही है। इंपॉर्टेंस किसकी हुई? आत्मा। ये अगर आत्मा अपनी शक्ति न दे तो फिर क्या? जैसा मैंने बताया कि वो मर गया, आत्मा चला गया, अब ये बॉडी कुछ नहीं कर सकती। तो अगर शक्ति निकल जाए श्री कृष्ण से तो श्री कृष्ण एक पर्सनैलिटी रह जाएंगे, बस, कुछ कर नहीं सकते, साकार भी नहीं बन सकते, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लीला नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अरे जब शक्ति नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? वो क्रिया तो शक्ति से होती है, देखना, सुनना, सूंघना, रख लेना, स्पर्श करना, सोचना, जानना, ये सब वर्क है, से होते हैं। जैसे हमारे लोगों की शक्ति से ये वर्क हो रहे हैं, लिमिटेड शक्ति से, ऐसे भगवान क्या है उसके द्वारा वे वर्क करते हैं। यही सब कितनी इंद्रियां उनके भी है, कितने मैटर उनके पास भी है, इतना हमारे पास। तभी तो मनुष्य शरीर को देवताओं से बढ़कर कहा गया। भगवान ने अपनी चीज सब दे दी हम लोगों को, मानव दे दी। देखो, सुनो, सुनो, रस लो, स्पर्श करो, इंद्रियां है, और सोचो और डिसीजन लो, बुद्धि। इतने वर्क हम लोग भी करते हैं, इतने भगवान भी करते हैं। उन्होंने सोचा, श्री कृष्ण ने कैसे सोचा? मन से, मन कहा है? उनके मन आया कहा? उनके कोई मन मन नहीं है। वेद कहता है अप्राणो यमना शुभ्रो यक्षरा पर तत्परा, ब्रह्म के मन नहीं हुआ। किशोरी जी ने मन बनाया, ये पावर आई, ये महाशक्ति आई, उसने मन बनाया, फिर शरीर बनाया, फिर आंख बनाया श्री कृष्ण के। तब श्री कृष्ण ने क्या किया? देखा, वीक्षित मस्त पंचभूतानि। अब किशोरी जी की कृपा हुई आंख में तो देखा, तो पंच महाभूत प्रकट हो गए, सृष्टि शुरू हो गई। सोचा, सृष्टि शुरू हो गई। मन कहां से आया? तो इंद्रिय मन जो कुछ भी मैटर है हमारे पास, ऐसे ही श्री कृष्ण के पास है। हमारा गोबर गणेश है, उनका और कुछ है, इतने फर्क है। अरे हमारे सामने पशु बैठे हैं, देख लो उनका, उनके भी इंद्रियां है, गाय भैंस के, उनके भी आंख है, कान है, नासिका है, रखना है, त्वचा है, मन है, बुद्धि है। लेकिन हम हमसे कोई मिलान करे उनकी तो हम कहेंगे अरे वो कोई कोई भला बताओ, उनका देखना देखना क्या है? बेचारे कुछ जानते वानते नहीं, उनका सोचना सोचना क्या है, उनका डिसीजन डिसीजन क्या है? बहुत थोड़ी सी बुद्धि है उनकी,
ये हरी घास है, ये सूखी घास है, बस छोटी सी अकल है हमारे, बहुत बड़ी अकल है हमें टम बम बना लेते। तो आज इसी प्रकार भगवान के आगे हमारी बुद्धि का भी वही फटी चढ़ाल है जैसे हमारे आगे वो भैंस की बुद्धि का। जैसे हम भैंस की बुद्धि को देखकर हंसते हैं, ऐसे ही भगवान को जो प्राप्त कर चुके हैं महापुरुष, वो हमारी बुद्धि को देखकर हंसते हैं कि देखो इन बेवकूफों को, ये अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं और 50,000 हाइड्रोजन बम, एटम बम, न्यूट्रॉन बम बना डाले, अब उसको नष्ट करने में करोड़ों डॉलर खर्च करने जा रहे हैं। पहले बनाने में खर्च किया, अब उसको नष्ट करने में खर्च कर रहे हैं। ऐसा भी कोई मूर्ख दुनिया में होगा? जिंदगी भर की कमाई लगा के मकान बनावे, अब उसके बाद उसको तोड़े गिरावे, लोग क्या कहेंगे पागल? ये वैज्ञानिक है, ये बुद्धिमान कहलाने वाले, ये तो पागल। इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करके, इतनी बुद्धि लगा करके तो इतना आविष्कार किया, अब वो आविष्कार मुसीबत बन गया। तो अब रशिया अमेरिका में बातचीत हो रही है, भाई तुम भी नष्ट करो, हम भी नष्ट करें, हम नष्ट करने में भी पैसा लगाओ। ये बुद्धि है हम लोगों की। तो जैसे भैंस की बुद्धि के देख करके हम लोग हंसते हैं कि इसकी अकल भैंस के बराबर है, ऐसे ही महापुरुष लोग भगवान की बुद्धि जो पा चुके हैं, वे लोग हम लोगों की बुद्धि को देखकर हंसते हैं कि देखो दिन रात चप्पल जूते खा रहे हैं माँ के, बाप के, बीवी के, पति के, बेटे के, और फिर भी वही नाक लगा रहे, इनके बराबर कौन पागल होगा? घोर से घोर अनजान एक बिलार होती है मारजात, अगर कहीं गलती से उसने गर्म दूध में मुंह डाल दिया और जल गया तो फिर वो समझ लेती है कि इस तरह के तरल पदार्थ को डायरेक्ट मुंह नहीं डालना चाहिए। फिर छाछ मिली पीने को, उसको भी फूंक रही है कि गर्म होगा क्या पता ये भी। और हम लोग ऐसे हैं कि दिन रात चप्पल जूते खा करके भी बेहया की तरह फिर वही जाते हैं, सरेंडर करते हैं, उसी को अपना मानते हैं। भगवान और महापुरुष को अपना मानने में बुद्धि लगाते हैं, माने कि न माने, वो हमारे हैं कि नहीं है, नहीं वो हमारे क्या होंगे, वो तो बाबा जी है कहीं और रहते हैं, ये हमारी माँ असली है, ये हमारी है, ये बाप हमारा है, जो हमारा नहीं उसको हमारा मान रहा है, क्योंकि वो हम मान रहा है शरीर को। अगर हम अपने को मान ले आत्मा को, तो फिर हमारा कोई नहीं, आत्मा का क्या कौन हो सकता है? कल मैंने बताया चला कि तरंग का तरंग से कोई संबंध नहीं, तरंग का तो समुद्र से संबंध है। तो अद्वितीय तत्व एक राधा तत्व है, वही राधा श्री कृष्ण बन गई। तो श्री कृष्ण राधा बने ऐसा नहीं, राधा ही श्री कृष्ण बनी, तो राधा का दूसरा रूप श्री कृष्ण है, राधा ही एक अनादि तत्व है। इसलिए कोई भी रसिक वृंदावन के हर संप्रदाय में चले जाओ, पूछ आओ, बिना राधा कृपा के श्री कृष्ण की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, महाराज में प्रवेश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण क्या प्रवेश कराएंगे, वो तो स्वयं आज्ञा मांग रहे हैं किशोरी जी से, अपने लिए। भगवान शंकर श्री कृष्ण के ही अवतार है, महाराष्ट्र में आए यहाँ, श्री कृष्ण जान रहे हैं, बोल नहीं सकते, उनको ऑर्डर नहीं किशोरी जी का, क्यों तुमको हमने परमिशन दे दी, बात इसके आगे नहीं बोलना, एक पुरुष और आया है, क्या किसी पुरुष को परमिशन नहीं होगी? अरे मेरे ही स्वरूप है भगवान शंकर है, शंकर हो चाहे कोई हो, गोपी ने डॉट डांट दिया, गोपी ने राधा के पास खबरें नहीं गई उसके पहले ही पूछा कौन हो, शंकर है, कौन शंकर, कहाँ का शंकर, पूरा परिचय दो, शंकर जी है ना, भगवान शंकर से पूछती है कौन शंकर कहाँ का शंकर, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि शंकर है, तुम किस ब्रह्मांड के शंकर हो, क्यों आए हुए, राश होने जा रहा है,
माता जी मैं भी राष्ट्र में सही खोलना चाहता हूँ, मैं किसी पुरुष को परमिशन नहीं है। आप सूरी जी से कहिए तो सूरी जी ने कहा देखो भाई ऐसा है कि यहाँ केवल गोपियों का प्रवेश है तो उनको अधिकारी तो है, वो श्री कृष्ण के ही स्वरूप है शंकर जी, इसलिए उनको आने दो लेकिन स्त्री बन कर आओ। हाँ तो बनना पड़ा। पार्वती पहले से मौजूद थी राशि, वो देख के हंस रहे हैं कि बड़े पुरुष बनते थे। आज सब चला गया पुरुषत्व, जब ऊंट जाता है पहाड़ के नीचे तब समझता है हमसे भी ऊंचे लोग हैं। तो किशोरी जी ही अद्वितीय तत्व है और श्री कृष्ण उनके स्वरूप है और उन्हीं के फिर स्वरूप महालक्ष्मी दुर्गा काली वगैरह है और फिर उन्हीं के जीव शक्ति जो उनमें है किशोरी जी में उन्हीं के अंश हम सब जीव है और उन्हीं के अंदर जो मटेरियल जल शक्ति है माया उसी का स्वरूप जगत है, इसलिए सारा जगत किशोरी जी ही है। ये संपूर्ण संसार किशोरी जी से निकला और किशोरी जी है और किशोरी जी में मिलेगा। ध्यान दो, किशोरी जी से निकला क्योंकि वो संकल्प किया किशोरी जी ने तो सृष्टि हुई, उन्हीं से निकला, उन्हीं में लीन हुआ था इसलिए उन्हीं से निकला, सीधी सी बात। श्री कृष्ण से या राधा से संसार उत्पन्न हुआ क्यों? इसलिए कि पहले उन्हीं में लीन हुआ था। और उनमें लीन क्यों हुआ था? क्योंकि उन्हीं में से पहले निकला था, तो पहले निकला था कि पहले लीन हुआ था? नहीं, अनादिकाल से परंपरा है, पहले मत बोलना, ये कभी प्रारंभ नहीं हुआ। जब से किशोरी जी तब से संसार, तब से जीव, तब से माया, ये सनातन तत्व है, कभी इनका प्रारंभ नहीं हुआ। तो किशोरी जी से संसार प्रकट हुआ और अनंत अवतार प्रकट हुए, कुछ पुरुष रूप हुए, कुछ स्त्री रूप हुए, कुछ कुमार रूप हुए, कुछ कुमारी रूप हुए, सब तरह के अवतार हुए, यहाँ तक कि नरसिंह वगैरह के भी रूप के अवतार हुए। और जीव शक्ति से अनंत कोटि जीव बने और माया शक्ति से संसार बना, तो ये संसार उत्पन्न हुआ किशोरी जी से। लेकिन ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ कि जैसे माँ से बच्चा उत्पन्न होता है तो बच्चा अलग है माँ अलग है, ध्यान दो। एक गाय से बछड़ा पैदा होता है, एक मनुष्य माँ से मनुष्य लड़का पैदा होता है तो अलग हो गया लड़का पैदा होने के बाद, माँ अलग है। एक तो ऐसा पैदा होता है और एक ऐसा पैदा होता है कि एक नष्ट हो गया और एक पैदा हो गया। जैसे बीज, गेहूं का बीज आपने खेत में डाला, उससे अंकुर पैदा हो गया और बीज सड़ गया, बीज खत्म हो गया। अब उस पेड़ को अगर खोद के निकालो गेहूं कहां गया, वो गेहूं कहां खत्म हो गया, अब वो बन गया वृक्ष। एक ऐसा पैदा होता है, लेकिन ये संसार इन दोनों प्रकार से नहीं पैदा हुआ, किशोरी जी से निकला और साथ में किशोरी जी आ रही है, इस संसार में व्याप्त हो गई। देखो, निकला और साथ में है व्याप्त, सत्य अंतःकरण में भी है, सर्वव्यापक भी है। यानी जैसे भगवान के किशोरी जी के अंदर सब प्रविष्ट थे किशोरी जी सहित, ऐसे ही सब के सब चले आए। अंतर इतना हुआ कि जब किशोरी जी के पेट में अनंत जीव थे, अनंत ब्रह्मांड थे, तब वो कुछ कर नहीं सकते थे, पेंडिंग में पड़े थे, मूर्छित पड़े थे। अब जब बाहर निकल आए तो अब जीव को कर्म करने का अधिकार मिल गया, मनुष्यों को और पशु पक्षी आदि को फल भोगने का अधिकार मिल गया। तो
अंदर भी सब थे ये लोग, बाहर जब आए सृष्टि में तब भी किशोरी जी साथ है, और इन सबको लेके फिर अपने अंदर करेंगे किशोरी जी प्रलय में भी, इन्हीं सदा साथ है। तो संपूर्ण विश्व ही किशोरी जी है। तो एक पहले जब महाप्रलय था तब एक किशोरी जी थी, फिर सृष्टि हुई तो अनंत रूप तो बनाया अपने लोकों में, राम बन गई, कृष्ण बन गई, और तमाम अवतार, बामना अवतार, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, परशुराम अवतार, नृसिंहावतार, ये सब बन गई समय समय पर। ये सब दिव्य दिव्य लोग हैं, और जितने जीव है उन जीव शक्ति से सब जीव बन गए, लेकिन सबके साथ है किशोरी जी। जैसे गोलोक में है, जैसे शिव लोक में है, जैसे पार्वती लोक में है, जैसे साकेत लोक राम लोक में है, ऐसे यहाँ भी सबके साथ है। इसलिए अद्वितीय तत्व है राधा, और उन्हीं का दूसरा रूप है श्री कृष्ण। चाहे उनको राधा से सृष्टि कहो, चाहे श्री कृष्ण से सृष्टि कहो, एक ही दो बना हुआ है, दो पर्सनैलिटी नहीं है, एक राधा तत्व ही स्वयं श्री कृष्ण बन जाता है। ये आशय संक्षेप में।